हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फैजान। स्वागत है आपका कैन आई टीच यू में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखेंगे यू वी एंड एफ कहते किस हैं। उससे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में यानी कि चिन्ह परिपाटी देखेंगे, जो कि बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है हम लोगों के इस रिलेशन में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, इस फिगर को देखिए, ये क्या है, मिरर बना हुआ है। हम लोगों ने रैंडम मिरर सिलेक्ट कर लिया है। जब भी कोई मिरर होगा, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, हम लोग उसे इसी से रिलेट कर लेंगे। इसलिए हम लोगों ने रैंडम मिरर लिया, ताकि कोई भी मिरर यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर कोई भी मिरर ले सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, और ये क्या है, पॉजिटिव साइन है, और ये फिर से नेगेटिव साइन। तो इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, क्या किसे कहते हैं साइन कन्वेंशन में हम लोग करेंगे क्या। देखिए, जो भी दूरियां हम लोग कंसिडर करेंगे वो दर्पण के ध्रुव से करेंगे। दर्पण का ध्रुव आप जानते हैं, पी पोल को कहते हैं हम लोग, पोल को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो सारी दूरियां हम लोग दर्पण के ध्रुव से लेने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए, ये बिल्कुल आसान है, और ये मैंने नोट्स में लिख रखी है, अभी इसे भी समझ लेंगे। आगे देखते हैं। देखिए नोट्स में क्या कह रहे हैं, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में नापी गई सारी दूरियां पॉजिटिव लेंगे, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नापी गई दूरियां नेगेटिव लेंगे। अभी मुझे नहीं लगता आप समझ पा रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा इसे एनालिसिस करेंगे, इस पर डिटेल में बात करेंगे। देखिए, जैसे कि ये आपतित किरण आप देख पा रहे हैं, आपतित किरण की डायरेक्शन में अगर कोई भी वस्तु या प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, जैसे कि आप आपतित किरण देख रहे हैं, अगर आपतित किरण की दिशा में ही हम लोग यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ले लें इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ले लें, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ इसे कंसिडर करेंगे। जैसे अभी हम लोग यू के बारे में पढ़ेंगे तो उसे देख लेंगे उस वहाँ पर, लेकिन अभी समझ लेते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट या प्रतिबिंब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा उसे हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। और जो अपोजिट डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कोई वस्तु ले लेते हैं और आपतित किरण इस तरह से चलेगी, तो ये आपतित किरण देखिए इस डायरेक्शन में जा रही है, और वस्तु क्या है, उसकी विपरीत दिशा में रखी है। तो अगर विपरीत दिशा में रखी होगी वस्तु, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ कंसिडर करेंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर प्रतिबिंब आपतित किरण की दिशा में है तो उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में तो उसे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये बहुत आसान था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, यदि वस्तु या प्रतिबिंब इस मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, यानी कि अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वस्तु रखी है, या फिर इमेज बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। और यदि इमेज या वस्तु नीचे होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ कंसिडर करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार अपने नोट्स पर हम लोग नजर डाल लेते हैं। देखिए, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। एक बार फिर से देखिए, सारी दूरियां हम लोग कहां से लेंगे, दर्पण के ध्रुव से नापेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होंगी, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी, ठीक है। तो जो भी दिशा, अगर आपतित किरण के डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट या प्रतिबिंब बनेगा, तो उसे कोई भी ऑब्जेक्ट रखी होगी या प्रतिबिंब बनेगा, तो उसे हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, ठीक है, और अदरवाइज नेगेटिव, यानी कि विपरीत होगी तो नेगेटिव लेने वाले हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक लेंगे और नीचे की ओर ऋणात्मक लेंगे। ये बिल्कुल इजी है, आसानी से आप समझ जाएंगे। यदि वस्तु या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और यदि वस्तु या इमेज नेगेटिव लेंगे जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अच्छे से रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ के बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेट्स गो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रिलेशन देखेंगे हम लोग यू वी एंड एफ का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, पहले तो देख लेते हैं हम लोग क्या ड्राइव करने वाले हैं। देखिए, 1/f = 1/u + 1/f,
नहीं भी। हम लोग इसे प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता आएगा? बाहर से पेंटेड होता आएगा और भीतरी सरफेस क्या होती है? रिफ्लेक्टेड होती है, ठीक है? ये हम लोगों ने अवतल दर्पण बना लिया हैगा। आप खूब जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बनती है, इस तरह से, ठीक है? और ये क्या होगा? पोल होगा। और ये दर्पण का नाम दे देते हैं M1, और ये क्या है? M2, ठीक है? ये दर्पण है M1, M2, और दर्पण का पोल P है, ठीक है? और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ऑब्जेक्ट को ओ ओ डैश कहेंगे, ठीक है? हम लोग ऑब्जेक्ट ओ है और ये ओ डैश। ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया हम लोगों ने? ओ ओ डैश दिया है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, देखिए इस तरह से लाइट रेस चलेंगी। ये क्या है? आपतित किरण है, और आपतित किरण जहां पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु को हम लोग ए कह रहे हैं, ठीक है? इस आपतन बिंदु से रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाएगी। लाइट कहाँ से जाती है? रिफ्लेक्ट होकर फोकस से। तो लाइट यहां से जाएगी, इसे हम लोग क्या कहेंगे? फोकस F, ठीक है? और देखिए यहां से एक लाइट जाएगी इस तरह से, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये C होगा, यानी कि वक्रता केंद्र। और आप ये भी जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जाने वाली लाइट परावर्तन के पश्चात टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट आती है, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? अब इस इमेज को हम लोग क्या नाम दे दे रहे? आई और आई डैश, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ओ ओ डैश। इमेज को हम लोगों ने नाम दे दिया है आई आई डैश, ठीक है? बाकी ये क्या है? वक्रता केंद्र है, और ये क्या है? फोकस दूरी। अब हम लोग एक काम करेंगे, देखिए यहां से अभिलंब ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से ये अभिलंब हम लोग ने ले लिया। इसे क्या कहेंगे? एन पॉइंट कह रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट को एन कहेंगे, ठीक है? क्या आप ये समझ पा रहे हैं? ये ओ ओ डैश ए एन के बराबर है। देखिए ये पैरेलल लाइन गई थी, तो ये दोनों ओ ओ डैश ए एन के बराबर होंगे, ठीक है? ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अब हम लोग जो है मेन जो रिलेशन पढ़ने वाले हैं वो स्टार्ट होगा। तो आप अच्छे से फोकस से देखें, फोकस बनाकर देखेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप ये ओ ओ डैश सी ट्राइंगल देख पा रहे हैं, त्रिभुज। और देखिए दूसरा त्रिभुज जो है ये आई आई डैश और सी दोनों एक दूसरे के सर्वांशम है, इक्वेलेंस है। ये आपने इक्वेलेंस प्रॉपर्टी मैथ में पढ़ी होगी, ठीक है? देखिए ये वाला और ये वाला एक दूसरे के सर्वांशम है। तो हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे इसे। देखिए त्रिभुज क्या है? ओ डैश और ओ ओ डैश ओ सी त्रिभुज है, ठीक है? किसके इक्वेलेंस है? इक्वेलेंस का साइन हम लोग इस तरह से बनाते हैं, इक्वल, और उस पर इस तरह से साइन बना देते हैं, ठीक है? और देखिए फिर क्या करेंगे? ये वाला किसके इक्वेलेंस है? इस वाले के। तो क्या करेंगे? आई डैश आई सी त्रिभुज आई डैश आई सी के इक्वेलेंस है, ठीक है? इतनी बात आप समझ गए। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के इक्वेलेंस है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए ये अपॉन ये कर सकते हैं ना, ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश, ठीक है? तो देखिए ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश, देखिए ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश कर लिया हम लोगों ने, इक्वल का साइन लगाएंगे। देखिए अब क्या करेंगे? ये वाली दूरी और ये वाली दूरी को इक्वल कर लेंगे, ठीक है? यानी कि ओ सी अपॉन आई सी या सी आई भी कह सकते हैं, ठीक है? आई सी और सी आई दोनों बोल सकते हैं हम लोग। तो ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया। इसे हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं और देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे? ये वाला त्रिभुज देखिए एक बार, ये आई आई डैश, ठीक है? देखिए
आई डैश और आई, और ये एफ। क्या आप समझ पा रहे हैं ये एक त्रिभुज है, देखिए समकोणी त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए आई डैश आई और एफ ट्राइंगल है, और देखिए ये किसके इक्वेलेंस है, इसके इक्वेलेंस है। देखिए ए एन एफ ट्राइंगल ए एन एफ के इक्वल है, तो हम लोग भी इसमें भी इक्वेलेंस प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखिए इस तरह से पहले लिखेंगे ट्राइंगल ए एन एफ किसके इक्वेलेंस है, ट्राइंगल किसके, ट्राइंगल आई डैश और आई और एफ। ठीक है, इतना कर लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, वैसे ही ए एन अपॉन आई आई डैश। ठीक है, ए एन अपॉन आई आई डैश, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी अपॉन में कर लिया, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब ये दूरी एफ एन और आई एफ, एफ एन अपॉन आई एफ। ठीक है, इतना समझ गए आप, ये दूरी और ये दूरी को इक्वल कर लिया, अपॉन में लिख लिया हम लोगों ने, इक्वेलेंस प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पर। और ये देखिए इसे हम लोग दो कंसिडर करेंगे, इक्वेशन दो मान लेते हैं। ठीक है, अब इन्हें हम लोग कंपेयर करेंगे। देखिए कंपेयर करने वाले यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं, तो हम लोग ना फंसें इसलिए फोकस बनाकर देखें और अच्छे से इसे समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये ओ ओ डैश जो है, ये वाला ओ ओ डैश ये ए एन के बराबर है, समझ पा रहे हैं आप, ये वाला ओ ओ डैश ये ए एन के बराबर है। तो क्या हम लोग इस ओ ओ डैश को ए एन के इक्वल लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं तो एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल ये हम लोग जानते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए अगर ये ओ ओ डैश को ए एन को ओ ओ डैश से रिप्लेस कर दें, तो देखिए ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश एफ एन अपॉन आई एफ के इक्वल हो जाएंगे, है ना। देखिए ये वाला इसके इक्वल है, एक बार देखें, ये देखें ये ओ ओ डैश और आई आई डैश के किसके इक्वल है, ओ सी अपॉन आई सी के। ठीक है, ये ओ ओ डैश आई आई डैश देखिए ये भी इक्वल है दोनों, ये ऊपर क्या है ए एन है, ए एन को हम लोग ओ ओ डैश लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ ओ ओ डैश लिख दें, ओ ओ डैश देखिए लिख देते हैं हम लोग ताकि अच्छे से समझ सकें। ठीक है, देखिए ए एन की जगह ओ ओ डैश लिख देते हैं अपॉन आई आई डैश कर दिया, इक्वल में एफ एन अपॉन आई एफ कर लिया। ठीक है, ये ओ एन की जगह हम लोग ओ ओ डैश ए एन को ओ ओ डैश से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे हैं जब ये ओ ओ डैश आई आई डैश इसके इक्वल है ना, ओ सी के इक्वल है, ये ओ ओ डैश आई आई डैश ओ सी अपॉन आई सी के इक्वल है, तो हम लोग इस ये दोनों एक दूसरे के जब इक्वल हैं तो हम लोग इस वाली इसकी जगह पर इसे रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, तो हम लोग वही करेंगे। यहाँ पर देखिए इस ओ ओ डैश को, इस ओ ओ डैश को ओ सी अपॉन आई सी से रिप्लेस कर देंगे, देखिए ओ सी अपॉन आई सी। ठीक है, इस वाले को इससे रिप्लेस कर दिया है क्योंकि ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश ओ सी अपॉन आई सी के इक्वल है, तो इस वाले को इससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, बाकी हम लोग सिंपल एफ एन अपॉन आई एफ ऐसे ही लिखेंगे। आप देखिए बिल्कुल भी घबराइए मत, अभी इस नोट्स को हम लोग सेपरेट उतार देंगे ताकि अच्छे से आप नोट्स कर सकें। ठीक है, इसे आप अच्छे से फोकस बनाकर समझें, ये हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए ये एफ एन को, क्या हम लोग एफ एन को पी एफ के इक्वल लिख सकते हैं, इस एफ एन को पी एफ के इक्वल लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या खेल खेल रहे हैं हम लोग, तो देखिए अभी हम लोग अच्छे से इसे समझेंगे, इसे हम लोग किस तरह लिख रहे हैं। ये मान लीजिए अगर ये दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए गोली दर्पण के व्यास को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं, तो ये जो M1 और M2 को लाइन मिलाएगी उसे हम लोग दर्पण का द्वारक कहेंगे, और अगर ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए तो ये N इधर नहीं खसक जाएगा P की ओर, है ना। देखिए इस तरह समझ लेते हैं छोटा सा बनाकर, ये दर्पण है तो ये दर्पण बहुत छोटा है तो इसका द्वारक भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर P है
और ये पॉइंट पी है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कोई लाइन खींचते हैं, तो क्या ये पॉइंट एन पी के एकदम नज़दीक नहीं है, एकदम करीब आ जाएगा। देखिए आप समझ पा रहे हैं इसे, यदि हम लोग दर्पण का द्वारक बहुत छोटा मान लेंगे तो ये वाला एन पॉइंट जो है पी के एकदम नज़दीक आ जाएगा, यानी कि एकदम करीब आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे दर्पण के द्वारक को बहुत छोटा मान ले रहे हैं, और जब बहुत छोटा मान लेंगे तो ये एन एकदम जस्ट पी के करीब खसक जाएगा, ठीक है, एकदम करीब होगा, निकट होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, पी एफ को, ये एफ एन को पी एफ के इक्वल ले सकते हैं, ठीक है, इस एफ एन को पी एफ के इक्वल ले सकते हैं जब जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, दर्पण का द्वारक यानी कि अपर्चर को बहुत छोटा मान रहेंगे। यदि अपर्चर बहुत छोटा होगा तो ये एन पॉइंट एकदम जस्ट पी के करीब आ जाएगा, और जब करीब आएगा तो हम लोग ये एफ एन को पी एफ के इक्वल ले सकते हैं ना। अभी हम लोग ने छोटा बनाकर समझा था दर्पण को, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एफ एन को पी एफ के इक्वल लिख लेंगे। कब लिखेंगे, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो। तो देखिए अब हम लोग एफ एन को पी एफ लिखने वाले हैं। ओ सी आप समझ गए कैसे आएगा, ओ सी अपॉन आई सी इक्वल टू एफ एन को क्या लिख रहे हैं हम लोग, पी एफ अपॉन ये आई एफ कर रहे हैं, ठीक है। अब और भी ज़्यादा थोड़ा क्रिटिकल होने वाला है, इसलिए आप अच्छे ढंग से फोकस बनाए रखें। देखिए यहाँ पर देखें, जैसे ओ सी लिखा हुआ है हम लोगों ने, ये ओ सी, क्या ओ सी को हम लोग अलग तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, देखिए अगर हम लोग इसे पी ओ मान ले, ये पूरी लाइन क्या है, पी ओ है, ठीक है, ये पूरी लाइन क्या है, पी ओ, अगर इस पी ओ में से पी सी घटा दें, देखिए ये पूरी लाइन में से इतनी लाइन अगर हम लोग काट दें, है ना, इस पूरी लाइन में से इतनी लाइन काट दें तो बचेगा क्या, सिर्फ ये लाइन बचेगी ओ और सी वाली, है ना। तो हम लोग देखिए इस तरह से एक बार आप समझ लें, पी ओ में से ये पी ओ है पूरी, इसमें से इतनी लाइन हम लोग काट दे रहे हैं, मतलब घटा दे रहे हैं, तो पी सी को घटा दे रहे हैं, तो बचेगी क्या, ओ सी, क्यों, पी सी घटा देंगे इस लाइन में से तो बचेगी ओ सी, तो ओ सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ओ माइनस पी सी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी ओ माइनस पी सी लिखने वाले हैं, ठीक है, ओ सी की जगह पर। इतना आप समझ गए तो आगे आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने वाली है। देखिए अब हम लोग आई सी को लिखने वाले हैं, तो आई सी यहाँ पर क्या है, देखिए ये आई सी, अगर हम लोग आई सी को इस तरह से लिखना चाहें, ये पूरी लाइन कितनी है, पी सी है, अब पी सी में से अगर हम लोग पी आई घटा दें, ये पूरी लाइन में से इतनी लाइन घटा दें, है ना, पी आई पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक हटा देते हैं, घटा देंगे तो इतनी लाइन बचेगी आई सी, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी आई, तो बचेगा क्या, सी आई, तो पी सी माइनस पी आई, ठीक है, पी सी माइनस पी आई लिख लिया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए ये पी एफ है, पी एफ को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, देखिए इस तरह से, और आई एफ को किस तरह लिख सकते हैं हम लोग, क्या इसे भी हम लोग स्प्लिट्स करके तोड़कर लिख सकते हैं, जैसे ये किया आएगा, देखिए कैसे, आई एफ या एफ आई भी कह सकते हैं इसे हम लोग, ये एफ आई है या आई एफ कह लें, आई एफ है ये, तो हम लोग इसे भी स्प्लिट्स करके लिखना चाह रहे हैं, यानी कि ये पूरी लाइन को पी आई मान लीजिए आप, अब पी आई में से पी एफ को अगर हम लोग घटा देंगे, इस पी आई में से पी एफ को घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये आई एफ बचेगा, ये पूरी लाइन में से इतनी लाइन समझ लीजिए हम लोग मिटा रहे हैं, तो आई एफ बची या नहीं, तो पी पी आई में से क्या करेंगे हम लोग, पी एफ घटा देंगे तो बचेगी क्या, आई एफ, तो हम लोग आई एफ के जगह क्या लिख सकते हैं, पी आई माइनस पी एफ। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हम लोग बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं इसीलिए, ताकि आप अच्छे से समझ सकें इसे, ठीक है, एक बार और इसे देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ सकें।
ये पी आई था, देखिए आई एफ ये दूरी है आई एफ, ठीक है। इस आई एफ दूरी को अगर हम लोग पी आई है ये पूरी लाइन, पी आई में से ये एफ पी एफ हम लोग हटा दें, घटा देते हैं, यानी कि इस लाइन को मिटा दें, तो लाइन कितनी बचेगी एफ आई। तो हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते, देखिए एक बार इसे भी, ये पूरी लाइन कितनी है पी आई। अब पी आई में से अगर हम लोग पी एफ घटा दें इस तरह से, तो लाइन कितनी बचेगी एफ आई बचेगी, या आई एफ लिख रहे हैं हम लोग, तो ठीक है इतनी लाइन बचेगी। समझ गए आप इसे, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए इसे मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। अब हम लोगों का मेन पॉइंट आने वाला है, देखिए किस तरह से। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं पी ओ पी सी, पी सी की जगह हम लोग क्यों इतना हम लोगों ने झमेला किया, हम लोगों ने क्यों किया ये, ताकि हम लोग रिलेशन निकाल सकें। तो अब रिलेशन निकालने वाले हैं, देखिए ये दूरी क्या आएगी, ये वाली, ये दूरी दर्पण से, ये दर्पण से और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, ये दर्पण से और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को हम लोग यू कहते हैं। पहले ही पढ़ चुके हम लोग, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप यहीं से समझ जाएंगे, दर्पण और ऑब्जेक्ट यानी दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग यू कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को वी कहते हैं, ठीक है, इतना आप समझ गएंगे। और ये दूरी तो आप खूब जानते होंगे, ये वाली, ये दूरी एफ होती है ना, फोकस, फोकल लेंथ, खूब जानते हैं। इसे हम लोग स्मॉल एफ कर दे रहे हैं, क्योंकि बगल में भी एफ है तो कंफ्यूजन हो सकता है, ये स्मॉल एफ। और आप बिल्कुल भी इरिटेट मत हो, अभी हम लोग इसे सेपरेट उतार देंगे ताकि आप अच्छे से नोट्स कर सकें, ठीक है। इतना समझ गए, दर्पण से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को हम लोग यू कहते होंगे, और दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग वी कहते होंगे, और दर्पण से फोकस के बीच की दूरी को एफ कहते होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए ये पी ओ, ये दूरी क्या है, पी और ओ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, यू कहते होंगे। और सबसे पहले ये समझ लें आप, देखिए ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, आपतित किरण किस ओर है, उस डायरेक्शन में, देखिए सामने, हम जिधर से खड़े हैं मेरे सामने की डायरेक्शन में, जबकि दर्पण वस्तु किस ओर रखी है, इसके विपरीत दिशा में, तो हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, यू क्या होगा, नेगेटिव। बिल्कुल अभी तो हम लोगों ने सीखा है, अभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, देखिए सीखने का अच्छा मौका है ये। दर्पण का देखिए आपतित किरण की डायरेक्शन क्या है, सामने की ओर है, और ऑब्जेक्ट किस ओर है, उसके विपरीत दिशा में, तो हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, नेगेटिव लेते हैंगे। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, ये पी सी क्या है, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर, हम लोग इससे क्या कहते हैं आर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये यहाँ पर माइनस का साइन है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर अवतल दर्पण में क्या होती है, नेगेटिव, तो हम लोग माइनस आर लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए अपॉन में पी सी, अब पी सी फिर से क्या है, पी और सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां भी माइनस के साइन के साथ लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। अब पी आई क्या है, ये पी आई देखिए हम लोगों ने लिखा है, पी आई क्या है, इमेज की दूरी, दर्पण से इमेज की दूरी, ये भी हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। कहां पर बन रहा है ये इमेज, अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, आपतित किरण की डायरेक्शन ही शोर है, और इमेज की शोर बन रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। और देखिए हम लोग यहां पर पी एफ कर रहे थे, तो क्या हो गया हम लोगों को, यहां पर पी एफ लिखना था, और पी एफ क्या है, फोकस दूरी, और फोकस दूरी भी अवतल दर्पण की क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब देखिए पी आई लिखेंगे, पी आई क्या है, भी देखा हम लोगों ने, नेगेटिव साइन के साथ वी लेंगे, और उसके बाद पी एफ, पी एफ क्या है, देखिए पी एफ फोकस दूरी है, क्या लेंगे, नेगेटिव साइन तो पहले से था, और फोकस, ठीक है, ये नेगेटिव साइन था ना, ये छूट गया हम लोगों से, यहां पर क्या था, वी, पी आई क्या है, वी, और ये नेगेटिव साइन के साथ है ना, ये नेगेटिव साइन अंदर, और ये भी नेगेटिव साइन है, ठीक है। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये आर क्या है, ये आर हम लोग क्यों लिख रहे हैं, हम लोग तो रिलेशन निकाल रहे हैं यू वी और एफ का, तो आर क्यों आ रहा है, तो आर का रिलेशन हम लोग अच्छे से जानते हैं, एफ क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई
टू होता है ना, तो हम लोग इस आर बाई एफ इक्वल टू आर बाई टू को क्या इस तरह नहीं लिख सकते, टू एफ इक्वल टू आर, ठीक है। इस आर हम लोगों ने स्मॉल लिया तो स्मॉल लिख लेते हैं इसे, स्मॉल आर, ठीक है। एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है तो हम लोग ने क्या किया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो रिलेशन क्या आया, टू एफ इक्वल टू आर। तो हम लोग आर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, देखिए ये आर है, इस आर की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, टू एफ लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पर टू एफ लिख लें, देखिए ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस यू, देखिए ये माइनस यू लिखेंगे और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ठीक है। और f क्या है, r बराबर टू एफ, ठीक है, अपॉन में ये u है, देखिए कंफ्यूज में तो ये फोर मत है, फोर नहीं है वो, ये माइनस r है, और देखिए r का रिलेशन क्या निकाला, r बराबर टू एफ। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, टू एफ, ठीक है। फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो v पॉजिटिव आ गया, इक्वल का साइन लगाएंगे, माइनस f ऐसे ही, अपॉन माइनस v, और ये प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, तो ये प्लस का एफ आ गया। इतना समझ गए आप, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए यू की जगह यू लिखा है, आर का रिलेशन निकाले हम लोग ने, आर इक्वल टू टू एफ होता है, तो आर की जगह टू एफ लिख दिया, और साइन आप अच्छे से जानते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गएंगे, जगह ना होने के कारण हम लोग इसे थोड़ा मिटा देंगे, अभी इसके बाद सेपरेट नोट्स हम लोग उतार देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं, आई होप आप इसे समझ गए होंगे, इसके बाद मैं सेपरेट नोट्स अच्छे से उतार दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस रिलेशन को हम लोग समझ चुके होंगे, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपली गुणा करके आंसर ले आएंगे। देखिए इस वी का यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, देखिए नेगेटिव v है और नेगेटिव u है, तो u v हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और इधर से लिखते हैं ताकि अच्छे से आ जाए बोर्ड पर, u v हो गया, ठीक है। अब इस f को u में मल्टीप्लाई, f को नहीं पहले v को पूरे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2f को v में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 2vf, ठीक है। फिर देखिए f से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एफ यू एफ, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस टू एफ स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद देखिए इस टू एफ को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नेगेटिव साइन है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ क्या, टू एफ स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ गए आप, उसके बाद प्लस का साइन है, ये टू एफ को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, अब वी को करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एफ वी या वी एफ, पहले हम लोगों ने क्या लिखा है, वी एफ, तो यहाँ भी वी एफ लिखेंगे, वी एफ, ठीक है। इतना आप समझ गए, देखिए ये एफ स्क्वायर और ये एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टू एफ स्क्वायर है, टू एफ स्क्वायर है। अब पक्षांतर करेंगे हम लोग, पक्षांतर में हम लोगों को पता होता है कि इस ओर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हम लोगों को पहले ही पता होता है कि अगर इक्वल में साइन पॉजिटिव है तो हम लोग कैंसिल कर लेते हैं एक दूसरे को, ठीक है। देखिए अब नेगेटिव माइनस टू वी एफ है, ठीक है, इसे हम लोग इस ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, यू वी ऐसे ही लिखेंगे, माइनस यू एफ इक्वल टू इस वाले टू वी एफ को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वी एफ है और ये प्लस टू वी एफ है। अब इस टू वी एफ में से ये वी एफ कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, वी एफ, ठीक है, प्लस का वी एफ, समझ गए आप। इसे इधर ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट होंगे, बचेगा क्या, पॉजिटिव वी एफ। अब देखिए हम लोग अपने आंसर के एकदम करीब पहुंच चुके हैं, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों ओर यू वी एफ से भाग देने पर, ठीक है, इतना आप समझ गए। देखिए दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, यू वी एफ से भाग दे देंगे, तो ये यू वी अपॉन यू वी एफ, ठीक है, माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ, ठीक है।
इक्वल में वी एफ को फिर अपॉन यू वी एफ। ठीक, क्या क्या इनमें हम लोगों ने यू वी एफ से भाग दे दिया। देखिए तो ये यू जो भी करते हैं हम लोग दोनों साइड करते हैं, तो देखिए मार्कर चेंज करते हैं, ये यू वी एफ कैंसिल हो जाएंगे देखिए, और ये देखिए यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, ये वी से वी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, बचा क्या देखिए वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन वी इक्वल टू वन अपॉन यू। देखिए हम लोगों को एकदम करीब पहुंच चुके हैं, वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन वी इक्वल टू वन अपॉन यू, यहां तक पहुंच गए। देखिए वन अपॉन एफ को यहीं रखेंगे और v को इस ओर ले जाएंगे, यानी कि पक्षांतर कर रहे हैं हम लोग, वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी। ये देखिए हम लोग अपना ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर रहे थे, यहां तक पहुंच गएंगे। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये इतना इजी तो नहीं था लेकिन इतना कठिन भी नहीं था कि हम लोग समझ ना पाए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, मैं इसका अभी सेपरेट नोट्स उतार दूंगा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बारे में पढ़ा था। तो चलिए इसे नोट्स को अच्छे से उतार लेते हैं हम लोग, और हाँ आप इस नोट्स को ट्वेल्थ और हाई स्कूल में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ये डेरिवेशन कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चंस के बाद हम लोग मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसे नोट कर लें, मैं उतार देता हूँ। अपने नोट्स को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। जैसा कि ये M1 M2 एक अवतल दर्पण है, और P उसका ध्रुव है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है PO। ठीक है, C वक्रता केंद्र है, F फोकस दूरी है, ठीक है, और N इस पर लंब है। देखिए P और F के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, दर्पण और इमेज के प्रतिबिंब के बीच की दूरी को V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और दर्पण और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप इतना समझ गएंगे, बाकी हम लोगों ने इस रिलेशन को अभी पढ़ा था, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समत हैं तो हम लोगों ने ये किया, ये दोनों सर्वांग समत हैं इक्वेलेंस से तो हम लोगों ने ये रिलेशन बनाया। ठीक है, उसके बाद दोनों को कंपेयर कर लिया, ये समझ लें आप एक बार फिर से, ये ओ ओ डैश की जगह हम ए इस ए एन की जगह हम लोग इस ए एन की जगह ये ओ ओ डैश लिख सकते हैं, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी इक्वल है ना, ये दूरी ओ ओ डैश, ये वाली लंबाई और ये लंबाई इक्वल है, तो इनके जगह हम लोग लिख सकते हैं। तो ए एन की जगह हम लोगों ने क्या किया, ओ ओ डैश लिख लिया, और ओ ओ डैश देखिए ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश किसके बराबर है, ओ सी अपॉन आई सी के। तो हम लोगों ने देखिए ए एन की जगह ओ ओ डैश पुट कर लिया, और आई आई डैश पहले से था, और ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश किसके इक्वल है, ओ सी अपॉन आई सी के। तो हम लोग ने क्या किया, इस ए एन अपॉन आई आई डैश की जगह ये देखिए ए एन अपॉन आई आई डैश की जगह ओ सी लिख लिया। ठीक, ओ सी को देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है, पी ओ माइनस पी सी, अपॉन आई सी को क्या लिखा है, पी सी माइनस पी आई, और एफ एन को हम लोगों ने कैसे लिखा था, देखिए पी एफ एन इक्वल टू एफ पी, किस तरह से, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो ये एन पॉइंट जो है पी के एकदम नजदीक आ जाएगा, इस तरह से हम लोग पहले समझ चुके हैं। देखिए आगे बढ़ेंगे, हम लोगों ने क्या किया, पी ओ को, पी ओ हम लोग जानते हैं दर्पण से और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को हम लोग यू कहते हैं, तो हम लोगों ने यू पुट किया आएगा, और पी सी वक्रता त्रिज्या थी तो वक्रता त्रिज्या को हम लोगों ने आर लिखा, और रिलेशन देखा तो हम लोगों ने आर इक्वल टू क्या होता है टू एफ, तो हम लोगों ने आर की जगह टू एफ लिख दिया है। ठीक है, आप बाकी सारी चीज़ें हम लोग देख ही चुके होंगे, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। देखिए इन्हें क्या किया था, मल्टीप्लाई कर लिया था और आर की वैल्यू रखी थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो कैंसिल हो रहे थे उन्हें कैंसिल कर लिया, फिर दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दे दिया। ठीक है, यू वी एफ से भाग देने पर हम लोगों को अपना रिलेशन जो निकाल रहे थे वो मिल गया है।
देखिए 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, यही निकालना चाह रहे थे हम लोग। जैसे कि पिछले हम लोगों ने अभी डेरिवेशन जब सॉल्व किए तो समझाएगा, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन नोट्स को आप हाई स्कूल और ट्वेल्थ में यूज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आप इन नोट्स को डेली रिविजन पर रखिए ताकि अच्छे से एग्जाम टाइम पर हम लोग पेपर कर सकें, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैन आई टीच यू एंड थैंक यू अगेन एंड प्लीज़ वीडियो देखते रहें।